से चाय पूरे सऊदी अरब में दूसरे जगह में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा चाय बनाते हैं। कसम से चाय मैं भी रियाद लेके जाएगा चाय। ओ तो फ्रेंड्स इनका बहुत अच्छा स्पेशल चाय है। स्पेशल चाय हमारे पास और दिन को तकरीबन 10 किलो निकल जाती है। माशाल्लाह ये नहारी है। ओके ओके असलम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स आज आपका भाई आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेके आया है। ये आप घर के अंदर आज आपको बताते हैं कि पास क्या क्या चीज़ें बनी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या चीज़ें बनी हुई है आपके स्पेशल? अच्छा नाश्ते में क्या आता है? पूरी मुर्गी रायता वगैरह सारा। आपका हर रोज न्यू मेन्यू होता है या न्यू मेन्यू? ये सिंपल है। तो आज क्या फ्रेश बना हुआ है जो आज फेवरेट? कबाब, चपली कबाब। अच्छा तो आज तो फ्रेंड्स अभी देखते हैं इनका चपली कबाब कैसा है और हलीम। भाई अच्छा, और ये हमारी दाल है। दाल चना? जी दाल चना है। ओके, ये हमारा चिकन है। ठीक, और ये हमारी चिकन हलीम है। हलीम अभी खत्म हो गई है। खत्म हो गई है और इसकी बड़ी मांग होती है यहाँ पे। ओके ओके, ये स्पेशल चिकन हलीम स्पेशल है। स्पेशल है ये दाल है, मसूर दाल मसूर। और ये सब्जी है, मिक्स सब्जी मिक्स सब्जी है। और ये निहारी है, स्पेशल निहारी होती है हमारे पास और दिन को तकरीबन 10 किलो निकल जाती है। माशाल्लाह ये निहारी है जी। ओके ओके, तो फ्रेंड्स इस वक्त हम महत जजाले में। अच्छा, और पहले इसका नाम जजाला था, अभी चेंज हो गया है, अभी मालूम नहीं है तो ये नाम। कसम से ऐसे चाय पूरे सऊदी अरब में दूसरे जगह में कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा चाय बनाते हैं। कसम से ऐसे चाय मैं भी रियाद लेके जाएगा चाय। ओ तो फ्रेंड्स इनका बहुत अच्छा स्पेशल चाय है। स्पेशल चाय, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं चाय पीने के लिए। हाँ बिल्कुल, तो ये भाई भी चाय पी चाय अभी आप चाय लेने आए हो? चाय लेने से कबाब लेने आए। ओह वाह, कबाब भी लेके जाएगा। कबाब भी इनका फ्रेश है। कबाब बिल्कुल जबरदस्त, अच्छा टेस्ट है, सेम पाकिस्तान जैसा। कसम पाकिस्तान से भी अच्छा है। कितना देर हो गया इधर आपको आते हुए खाना खाते हुए? तकरीबन मेरा तो 10 साल हुए, मैं तो टैक्सी करता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं जब खाना आप इधर सिखाते हैं? इधर सिखाते, जब आपने रात का या दोपहर का जिस टाइम खाने का टाइम होता है तो मैं इधर सिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी मैं भी खाना खाता हूँ, फिर बताते हैं इनका खाना कैसा है, कबाब कैसे हैं, तो चलते हैं अभी। अच्छा, थैंक यू सर। क्या नाम है आपका? शहजाद अहमद। शहजाद अहमद, तो ये शहजाद से हूँ, दीर लोर से। दीर लोर से, ये तो ये एक स्पेशल कबाब बन रहे हैं इनके, माशाल्लाह। ये साथ सबक मिर्चे हैं, अंडे हैं, ये इनके कबाब बन रहे हैं स्पेशल। वाह, तो सर ये फ्रेश कीमा होता है आप लेकर आते हैं? फ्रेश भी फ्रेश बहुत फ्रेश होता है, कीमा खुद इधर ही बनाते हैं। अच्छा, कीमा खुद आप बनाते हैं?
कितना देर हो गया ये कबाब बनाते हुए आप? मुझे 12 साल हो गए। माशाल्लाह। पाकिस्तान किस जगह में? पाकिस्तान में मरीज है। मरीज, क्या नाम है आपका? हबाब तालिब। नाम? हबाब तालिब। हबाब तालिब, माशाल्लाह। तो ये फ्रेंड्स इनके कुक हैं जो कबाब बनाते हैं, माशाल्लाह। इस एरिए में सबसे अच्छे कबाब और बहुत ही अच्छा है इनके जो कबाब फेवरेट है, सब लोग इधर आते हैं कबाब खाने के लिए। अभी मैं भी कबाब खाता हूँ, फिर आपको बताते हैं इनका कबाब कैसा है। कबाब के साथ ये माल होता है हमारा। ये कढ़ाई है जी, बीफ। बीफ कढ़ाई, ओके। ठीक, ये भी रेडी है ये सर्व होने के लिए। ठीक, ये साथ आप सलाद देते हो? ओके ओके। खाना खाने से पहले हाथ धोना चाहिए, क्यों भाई? ऐसी बिल्कुल भाई, ऐसी बात है। तो ये देखो माशाल्लाह इस होटल में साबुन और सफाई का बहुत अच्छा सिस्टम है। भाई क्या नाम है आपका? अजहर मोहम्मद। मोहम्मद अजहर, कितना टाइम हो गया रोटी लगाते इधर? दो साल। आपका क्या, आप क्या काम? नाम मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद, आप क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं, रोटी लगाते हैं। रोटी लगाते हैं, ये क्या आटा? ये आटा है। एक दिन में कितना रोटी लगा लेते हैं? ये हम तकरीबन 5-6 बोरी आटा लगाते हैं। 5-6 बोरी, जी माशाल्लाह। तो वेरी गुड यार, देखो फ्रेंड कितनी स्पीड के साथ अजहर भाई रोटी लगा रहे हैं। अभी इनकी रोटी खाते हैं, फिर बताते हैं इनकी रोटी कैसी है। नरम है, सहत है, ठीक है, रहता है। सब्जी है, मुर्गी है, कढ़ाई गोश्त है, निहारी है, अच्छा कबाब है, और फार्म है, चिकन टिक्का है, फ्रेश कढ़ाई मुर्गी है। तो कबाब फ्रेश है? जी जी भाई, फ्रेश ताज़ा बना के देते हैं। एक कबाब लगा दो जी, सही हो गया, और एक निहारी लगा दो, अच्छी फ्रेश वाली, ठीक हो गया भाई। तो ले आओ फ्रेंड्स, अभी खाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इनका टेस्ट कैसा है। तो ठीक हो गया। तो फ्रेंड्स खाना मेरा आ गया, ले आओ भाई, देखो माशाल्लाह। ये क्या चीज़ है? ये निहारी है भाई। ये निहारी है, स्पेशल निहारी। ओके, ये कबाब ताज़ा बना हुआ आपके लिए। ये रोटी, रोटी आ रही है। तो फ्रेंड्स अभी आपको खा के दिखाते हैं इनका टेस्ट कैसा है। माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट है यार नहारी का, क्या बात है। तो फ्रेंड आपने भी अगर ये वाला टेस्ट लेना है आपको इधर आना पड़ेगा। माशाल्लाह यार बहुत सारे खाने बहुत अच्छे हैं और टेस्ट भी अच्छा है। आप इनका टेस्ट करते हैं, कबाब का कैसा टेस्ट है, उसके साथ इन्होंने अंडा दिया हुआ। ये साथ मिर्ची लगाते हैं, मिर्ची नहीं मछली है, तीन भी पाते हैं स्पेशल, सभी मिर्च देते हैं फ्राई करके। ये साथ चटनी है स्पेशल इसकी, इतना बाकी से नहीं मतलब बाइट तो काफ़ी बड़ी है। अभी ट्राई करते हैं कैसी है, बिस्मिल्लाह हमारे वीडियो में तो फुक की दबर है। माशाल्लाह क्या टेस्ट है यार, सेम पाकिस्तान वाला टेस्ट है वो। ये बस बहुत मज़ा आया है, सेम पाकिस्तान वाला टेस्ट यार। अगर किसी भाई ने नहारी खानी है या कबाब खाने हैं आपको सेम पाकिस्तान वाला टेस्ट आएगा। तो सारे आपका कुक कौन है? पाकिस्तानी जी, पाकिस्तानी। तो ये होटल किस जगह में? ये निज़ामिया। निज़ामिया, यहाँ से निकलते हैं। अच्छा, तो पहले जो चेक पॉइंट है वो क्रॉस करके आते हैं, पहली टुकड़ी 5 नंबर टुकड़ी है, उसके साथ ही है। ओके, माता अजाला नाम है, माता अजाला पुराना नाम है और नया नाम है इसका, और ही
ऑरेंज मत करो। तो फ्रेंड्स आपको बाहर से भी दिखा देते हैं इस होटल का नाम, माशाल्लाह इस होटल में देखो ये सारा वाली हर चीज वाली। तो किसी ने भी खाना खाना इधर आओ, माशाल्लाह पाकिस्तान वाला टेस्ट मिलेगा, मुताम पाकिस्तानी। ओके पाकिस्तानी रेस्टोरेंट ये होटल का नाम है, ये नीचे इनके खाने हैं। ठीक है, कोई भी किसी ने भी पाकिस्तान वाले टेस्ट लेने हैं, कबाब हलीम नहारी हर चीज़ आपको A1 मिलेगी। ठीक है ना, और आप देख सकते हैं अंदर भी रश बहुत ज़्यादा है।